एंड दैट्स इट। यू हैव टू साथ में ये पंपकिन का सॉक्स दिया जाएगा, तो आप साथ में इसको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर सनी डे। आज आपको दिखाऊंगा स्केटिंग रिंक, मेडियू स्केटिंग रिंक, काफ़ी फेमस है यहाँ अल्माटी कजाकिस्तान में। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई माउंटेन स्केटिंग रिंक, काफ़ी बड़ा है स्केटिंग रिंक ये। यहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स वगैरह होती हैं और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे भी है ये, 1691 meters, मतलब ऑलमोस्ट 1700 meters अबव सी लेवल। यहाँ पे 2011 में एशियन गेम्स, 2012 में बैंडी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये सब हो रखे हैं। तो ये एक अट्रैक्शन है अल्माटी में, और जिनको आइस स्केटिंग करने का शौक होगा वो डेफिनेटली विजिट करेंगे और एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। चलते हैं अभी और आपको पूरा उसका टूर दिखाऊंगा, तो आइस स्केटिंग भी करेंगे। टैक्सी में हम लोग बैठ चुके हैं, पहुँचता हूँ वहाँ पर और फिर आपसे बात करता हूँ। पहुंच चुके हैं मेडियू स्केटिंग रिंक और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं टिकट का क्या सिचुएशन है, एंट्री कैसे है। काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। वैली में है ये, तो चारों तरफ पहाड़। यहाँ पर आइस स्केटिंग और बैंडी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 2011 एशियन गेम्स वगैरह तो रखे हैं। बैंडी स्पोर्ट है, आइस हॉकी सुना होगा लेकिन बैंडी इतना कॉमन नहीं है। तो बैंडी भी जो है एक गेम है, आइस हॉकी जैसा ही है, उसको भी आइस के फील्ड पे ही खेलते हैं। बट बैंडी में डिफरेंस ये है कि उसका जो फील्ड होता है, उसका जो पिच होता है काफ़ी बड़ा, ऑलमोस्ट फुटबॉल का जितना बड़ा पिच होता है उतने ही बड़े पिच पे बैंडी खेलते हैं, और आइस हॉकी तो फिर भी छोटे पिच पे होता है। दोनों में वही हॉकी स्टिक जैसा स्टिक होता है। बैंडी में रशिया और आई थिंक स्वीडन लीडिंग पोजिशंस पे हैं, और 2011 एशियन गेम्स, 2012 बैंडी वर्ल्ड चैम्पियनशिप इसी आइस स्केटिंग रिंक, मेडियू आइस स्केटिंग रिंक में खेला गया था। अभी वेट कर रहे हैं टिकट के लिए, 1:30 बजे से एंट्री है, तो अभी बजे 1, 15-20 मिनट और यहाँ पे टाइम पास करते हैं। यहाँ पर बाहर एक स्टैचू, अनातोली बुकरीव, Kazakh mountaineer, considered one of the greatest mountaineers of all times. Russian language mein hi hai, lekin 1958-1997 bahut acha karyakal raha inka, lekin bahut chota tha, sirf 40 saal ka hi tha, lekin 40 saal mein is insaan ne bahut kuch achieve kiya. Yahan queue thi, ab chalte hain fir yahan se upar, ab ticket lenge. Bahut hi slippery hai ye niche, काफ़ी केयरफुल रह के चलना पड़ेगा। यहाँ काफ़ी सारे लोगों के पास यहाँ टिकट ऑलरेडी है, और टिकट आपको अगर पहले से ख़रीदना है तो यहाँ कापसी करके पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में टैक्सी यहाँ के टिकट्स वगैरह सब खरीद सकते हैं। जिनके पास टिकट पहले से है वो उधर जाएंगे, जिनको टिकट लेना है वो इधर जाएंगे। साथ में ही एक रेंटल का शॉप है, तो पहले टिकट लेते हैं फिर उधर चलेंगे। 3 tickets. Hello. Number 9. Do you know your size? 42. 42? Yeah. And that's it. You have to reserve something for deposit. Possible. ये स्केटिंग शूज ले लिया है, स्केटिंग शूज लेके यहाँ से एंट्री करेंगे और ऊपर जाएंगे। हाँ, थैंक यू। रहेंगे स्केटिंग ब्लेड, और आपको साथ में ये पंपकिन का सॉक्स दिया जाएगा, तो आप साथ में इसको पहनेंगे, और इसके लॉक जो होता है उसमें उसको ऐसे लगाना होता है, ये जो है साथ में ऐसे चला जाएगा तो ये अंदर लॉक हो जाता है। उसके बाद ये जो है इसको आप ऐसे करेंगे तो ये पूरा लॉक हो गया, और उसके बाद फिर आप अपने लेसेस जो हैं
पीछे आगे करके इसको आप कृपा करके आप जूते दोनों पहने, एक जूता पहन के ना जाएं ऐसा। हमारे ब्लॉगर साहब अभी दूसरा शूज भी पहनेंगे। ये तो आप लोगों को एक टूर दे दूँ इस स्केटिंग रिंक का। यहाँ ये सब कुछ वैंस जिसमें कि टी कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। ये एक स्केटिंग बूट, यही है एंट्रेंस जिससे अंदर आए थे, ये एंट्री था। और यहाँ से व्यू है इसका, ये नीचे स्केटिंग रिंक, और यहाँ फ्लैग्स, यहाँ ऊपर लाइट्स लगे हुए हैं। जब लाइट्स में यहाँ कुछ गेम वगैरह होता है, दर्शक दीर्घा या विजिटर्स सेक्शन जो है उसमें बैठ के आप जूते वगैरह पहन लीजिए। तो यहाँ लोग बैठ के अपना जूते वगैरह पहन के, या रिलेटिव्स वगैरह जो भी हैं साथ में आपके फ्रेंड्स वगैरह, वो बैठ के यहाँ से देख सकते हैं। जो लोग बिगिनर्स हैं या नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, वो ऐसे सपोर्ट लेके फिर शुरू करते हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, बैंडी जो एक गेम होता है हॉकी जैसा ही, आइस हॉकी जैसा, वो भी इसमें खेला जाता है, क्योंकि ये पिच जो है ऑलमोस्ट फुटबॉल पिच के बराबर है। यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है। काफ़ी सारे लोग हैं, बच्चों से लोग के बूढ़े लोगों तक। ये ऊपर वो केबल कार जा रही है, जिससे कि स्कीइंग के लिए जो जाना चाहते हैं वो ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, वो उस तरफ है जिधर से हम लोगों ने एंट्री की थी। मैंने भी दो राउंड स्केटिंग किया, अभी तीन चार बार पहले कर चुका हूँ, बस बहुत अच्छे से तो नहीं, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन ठीक है, अच्छा है, मज़ा आता है। चलते हैं अब यहाँ से बाहर और स्केटिंग शूज को रिटर्न करके फिर चलेंगे वापस। तो सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ की जो बस सर्विसेज हैं, लोकल बस सर्विस, उसको एक्सप्लोर करें। और ये वाकई में बहुत किफ़ायती है, तीन लोगों के टोटल मिला के 800 टेंगे, यानी कि 160 रुपये लगे हमारे सिटी सेंटर जाने के, जो कि बहुत सस्ता है। सेम प्राइस में कल हम जब सेम डिस्टेंस हम कल यहाँ से टैक्सी में गए थे, तो हमें 5000 टेंगे देने पड़े थे इसी डिस्टेंस की, जबकि 800 टेंगे में 160 रुपये में सारा का सारा डिस्टेंस ही कवर हो गया। पर आप एक नए व्यू के साथ, एक पैनोरमिक व्यू चारों तरफ आते हैं। बस में हम लोग तो शुरू में ही बैठ गए थे, तो उस समय तो सीट सारे काफ़ी खाली थे, बट अचानक से उस समय भीड़ बहुत हो गई, बहुत सारे लोग अंदर चढ़ गए जो स्कीइंग वगैरह करके आ रहे थे नीचे। और आगे सामने जो है जहाँ बैठे हुए थे, वहाँ लेडीज़ सीट करके रिजर्व था, उधर से उठ के फिर हम लोग खड़े हो गए। और काफ़ी भीड़ है बस में, तो अभी पहुँचते हैं सिटी सेंटर।